Hello student, welcome back. Now you discuss about the important properties of displacement current. हम लोग जो है displacement current की important properties के बारे में discuss करेंगे. पहली property है, now the first property of displacement current. The displacement current exists whenever there is a change in magnet electric flux. Electric flux के change हो जाने के कारण ही जो है आपको displacement current generate होती है. Now, it is not a current, यह basically current नहीं है. It only add to current density is Ampere circuit law. Basically displacement current कोई current नहीं है, ये current density है जो कि Ampere circuit law में जो है वो आपको जुड़ती है. And the magnitude of displacement current is equal to the rate of displacement of charge from one capacitor plate to another. ये तीन जो है ये basic properties है आपको displacement current की. Now, Maxwell equation. The whole study of electricity and magnetism can be described mathematically with the help of four fundamental equation called Maxwell equation. इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के जितनी भी स्टडी होती है उसको मैथमेटिकली डिस्क्राइब करने के लिए जो है ये बेसिक चार इक्वेशन है जिसको कि हम लोग मैक्सवेल इक्वेशन कहते हैं. ये फर्स्ट लॉ है, ये गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है. लाइन इंटीग्रल ई इंटू डी एस बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट. द सेकेंड लॉ इज गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म का है, लाइन इंटीग्रल बी इंटू डी एस इज इक्वल टू जीरो. थर्ड लॉ है ये आपको है फराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये है ई इंटू डी एल बराबर -d phi b by dt. और मॉडिफाइड एम्पियर सर्किट लॉ है बी इंटू डी एल बराबर म्यू जीरो ब्रैकेट में आई सी प्लस एप्सिलॉन जीरो डी फाई ई बाई डी टी, जहाँ ये जो टर्म है यही आपको डिस्प्लेसमेंट करंट है, ये कंडक्शन करंट है. मैक्सवेल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ई एम वेव, ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये आपको मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है. ये दोनों फील्ड जो है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं. एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ए वेव रेडिएटेड बाई एन एक्सीलरेटेड चार्ज. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो आपको एक्सीलरेटेड चार्ज ही से ओरिजिनेट होता है, कोई भी स्टैटिक चार्ज जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ओरिजिनेट नहीं करता है. एंड विच प्रोपगेट थ्रू स्पेस एंड कपल्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेटिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव. इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है और जिस डायरेक्शन में ये वेव का प्रोपगेशन है उस पर भी जो है परपेंडिकुलर है, तो उस टाइप के वेव को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं. ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि आपको जे डायरेक्शन में है, ई बराबर जो है ई वाई जे ई जीरो साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी जे. ये जो इक्वेशन है ये हम लोग पहले वेव्स में पढ़ चुके हैं 11th में. ई जीरो साइन, जहाँ के जो है वो प्रोपगेशन कांस्टेंट कहलाता है, 2 पाई एक्स माइनस लैम्डा माइनस न्यू टी इंटू जे. और ई जीरो इक्वल टू 2 पाई एक्स वाई लैम्डा माइनस टी वाई टी इंटू ये होल, इसको जो है ये जे डायरेक्शन में है, जे जहाँ पे आपको यूनिट वेक्टर है. वेयर के इजक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इजक्वल प्रोपगेशन कॉन्स्टेंट. ये क्लियर है आपको कि ई वाई बराबर ई जेड इजक्वल टू ई वाई बराबर ई जेड इजक्वल टू जीरो होता है. मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी उसी तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बी बराबर बी जेड, ये आपको के डायरेक्शन में है यानी कि जेड कंपोनेंट है. बी जीरो साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी इंटू के, बी जीरो साइन 2 पाई लैम्डा बाई एक्स बाई लैम्डा माइनस न्यू टी, और बी जीरो साइन 2 पाई एक्स वाई न्यू इंटू टी वाई टी, इसको जो है ब्रैकेट के अंदर, और ये आपको के कंपोनेंट है जो कि आपको जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है. तो क्लियरली
बी एक्स बराबर बी वाई इक्वल टू जीरो, तो ये ई जीरो और बी जीरो आर द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और बी जीरो इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ई जीरो बाई बी जीरो इज इक्वल टू जो है सी होता है, और हम जानते हैं कि सी जो है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट है। तो इक्वेशन वन एंड टू जो पीछे पेज में थे वह आपको जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि बेसिकली आपको सेम फेज में है। मैक्सवेल साहब ने शो किया कि सी बराबर वन बाई म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, विच इज इक्वल टू दी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ये आपको प्रेडिक्शन है कि लाइट जो है वो बेसिकली आपको एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये कोई चार्ज आपको ऑसिलेट करता है हार्मोनिकली, तो वो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। ये प्रोसेस जो है वो आपको कंटिन्यू चलता है, यानी कि जो ऑसिलेटिंग चार्ज है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसके कारण जो है आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ओरिजिनेट होता है। इससे आप कंक्लूड कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है वो सिर्फ और सिर्फ आपको ऑसिलेटिंग चार्ज के कारण ओरिजिनेट होता है, और आपको स्टैटिक चार्ज के कारण ऑसिलेट नहीं होता है।